Hello friends, welcome back to all of you. And this is the new we are going to start a new chapter known as genetics, right? And we will discuss some of the very important facts first of all, and then we will move on and discuss the topics which are all written in the NCERT book of class 12th, right? So ये chapter is important for both point of view as well as for NEET and AIIMS, ठीक है, क्योंकि इसमें doubts generally most of the students को रहते हैं, लेकिन जिसको नहीं भी है फिर भी आप लोगों को seriously इस chapter को weightage देनी चाहिए और एक कंटिन्यूटी के साथ और सारे डाउट को क्लियर करते हुए रीड करना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं इस पर टिप्स एंड ट्रिक्स पे ये लेक्चर ले रहा हूँ एक्चुअली, जिसपे हम लोग पूरे कोर कंसेप्ट को इस चैप्टर के पर्टिकुलरली पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि I am not a basically a teacher, right? I am a student right now, and my motto is only that I just want to give you best possible knowledge by using which you can get good marks and secure your good ranks in exams, right? Any kind of exam. So here I am also a student, so that's why as a student you can say experience of class 12th which I have, right? So that I can also give you to all of you who are also study or basically who are still studying in class 12th, right, and focusing for class 12th board exams in 2019. We'll give 2019 board exams. So for that, so now let us start. So इसीलिए मैं अब lectures को उसी topic को मैं discuss करूँगा जो important होगा और किसी भी chapter से हम लोग discuss कर सकते हैं, ठीक है। आपका बस clear doubt वो particular topic के लिए होना चाहिए। मेरा focus ये रहेगा कि जो भी topic को मैं उठाऊँ उस पर doubt हम लोग का एकदम आप लोगों का completely doubt वो clear हो जाए, ठीक है। और ये depend नहीं करता है किस chapter से हम लोग उठा सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि जेनेटिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, और एनसीईआरटी को तो ओपन कर लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको एक पॉइंट डाल कर लिखिएगा। पहला पॉइंट ये कि जो थैलेसीमिया है एक कंडीशन होती है डिजीज़ की, ठीक है, और इसमें क्या होता है जो बीटा चेन होता है, द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, वो क्या होता है चेंज हो जाता है बाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो आप लोग लिखो इन थैलेसीमिया द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एज अ रिजल्ट बोन मैरो इज नॉट फॉर्म्ड। तो जो बोन मैरो होता है वो फॉर्म नहीं होता है, राइट। सेकेंड जो है बैटसन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने टर्म दिया था जेनेटिक्स को, तो हु क्वाइट द टर्म जेनेटिक्स, सो दैट साइंटिस्ट वॉज बैटसन, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। और F1 F2 S2 जाएगा कंडीशन एंड एपिस्टेटिस। सो फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स कौन है, बैटसन है, इसको आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। जॉनसन जो थे, जॉनसन क्वाइंड द टर्म जीनोटाइप फिनोटाइप एंड प्योर लाइन, तो जीनोटाइप फिनोटाइप एंड प्योर लाइन कौन से साइंटिस्ट ने क्वाइंड किया था, तो दैट साइंटिस्ट वॉज जॉनसन, ठीक है, जोहानसन, स्पेलिंग JOHANNSEN, क्लियर। थर्ड पॉइंट था जो मेंडल आल्सो ऑब्जर्व दैट फ्लावर कलर एंड कलर ऑफ द सीड कोट मे नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उसके बाद भी मेंडल ये बात जानते थे कि जो फ्लावर के कलर्स हैं, ठीक है, थीके? वो क्या है, कलर ऑफ द सीड कोट मे नॉट असॉर्ट, यानी कि फ्लावर के कलर और सीड के कलर जो थे वो असॉर्ट नहीं कर रहे थे मेंडल्स लॉ को, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द जीन्स फॉर सीड फॉर्म इन पी वॉज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर, देखो जो सीड फॉर्म के लिए जो जीन्स था, बेसिकली जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता, तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल था सीड फॉर्म के लिए वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है, वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है, सबको राइट डाउन करना और सारे MCQs में आएंगे, और ये बेसिकली ये NEET के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 के लिए जो NCERT में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया वो मैं बताऊँगा, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉप एग्जाम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा कवर अप करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज शोन बाय द एलील्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई, कॉमन सी बात है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वही शो करता है जिसके पास क्या होता है एलील जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट लोकाई पे, यानी कि लोकस बोलते हैं क्रोमोसोम के सारे सीक्वेंस को, यदि आप देखो किसी भी पॉइंट को आप उठाते हो और क्रोमोसोम नंबर आगे पीछे करते हो, ठीक है, उसमें से एलील को, तो उसको क्या बोलोगे आप, वही क्या अपने आपको बेसिकली शो करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेगा, क्लियर। फिर आते हैं नीलसन एहले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, तो
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव दैट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दैट साइंटिस्ट वॉज नील्सन एले, ठीक है, और इसकी ईयर क्या थी 1908, क्लियर। जीन फ्लो इज स्प्रीड ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ब्रीडिंग पॉपुलेशन टू अनदर बाई माइग्रेशन, कॉमन से हम पता है हम लोगों को कि जीन फ्लो जो होता है वो कैसे स्प्रीड, वो क्या है बेसिकली स्प्रीड ऑफ जीन्स होता है राइट, फ्रॉम वन ब्रीडिंग पॉपुलेशन टू अनदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, द जीन्स विच इन्हेंसेज द इफेक्ट ऑफ अदर जीन इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडर, यानी कि जो जीन्स होता है जो इन्हेंस करता है और इफेक्ट करता है दूसरे जीन्स को उसको क्या बोलते हैं, इन्हेंसर भी बोलते हैं। सो इन्हेंसर देख के सिर्फ एक इन्हेंसर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ये सब बेसिकली जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस पर बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। मल्टी जीन्स क्या होता है, या ग्रुप ऑफ नियरली सिमिलर जीन्स, सिमिलर जीन्स को मल्टी जीन्स बोलते हैं। ये नहीं कि आप किसी भी जीन्स को कंबाइन करते हो मोर देन टू जीन्स को आप मल्टी जीन्स बोल रहे हैं, गलत है। सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स जब मोर देन वन होंगे तो उसको क्या बोलोगे, आप मल्टी जीन्स बोलोगे, क्लियर। सटन एंड विनीवेटर 1900 एक्सप्रेस दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस एंड डबल्ड इन फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि फर्टिलाइजेशन में डबल होता है, नॉट इन माइटोसिस, माइटोसिस का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ये सेल डिवीजन का टॉपिक है बेसिकली। तो सटन एंड विनीवेटर ने ये बात बताई थी, ठीक है। विनीवेटर स्पेलिंग WINIWETER, ठीक है। विनीवेटर एंड सटन ने 1900 में ये बतलाया था कि क्रोमोसोम जो रिड्यूस होता है टू हाफ इन इन मियोसिस एंड डबल इन फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। फिर आते हैं समटाइम्स टू सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टेंडम और सेट क्रोमोसोम, ठीक है। सेट क्रोमोसोम क्या होता है, जब दो सैटेलाइट प्रेजेंट हो, दैट इज प्राइमरी सैटेलाइट एंड सेकेंडरी सैटेलाइट, क्लियर। सेट क्रोमोसोम आर यूज एज अ मार्कर क्रोमोसोम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन के साथ स्टार मार्क भी देना है इसको, दैट इज सारे को स्टार मार्क देना है बेसिकली, सब इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, क्योंकि ये मैंने फाइंड आउट किया है और इसका मैंने तब जाके मैं ये लेक्चर्स अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन से लेक्चर मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था, और बेसिकली अब मैं ज़्यादा नहीं लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो जो सेट क्रोमोसोम बेसिकली होता है, जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर क्रोमोसोम, सो दैट इज नथिंग, दैट इज अ सेट क्रोमोसोम, क्लियर है। जीन मॉडिफाइंग द इफेक्ट, जीन्स कॉल्ड मॉडिफायर्स, कॉमन्स। DNA sequence gene come under forward genetics, okay। Crossing over की heading लिख लीजिए आप, point डाल के, separation of a chromosome segment important है, separation of a chromosome segment and its union to non-homologous chromosome is called crossing over, clear। देखो एक और point डाल के लिखो, that is small t cross with कैपिटल स्मॉल टी, यानी कि दोनों स्मॉल टी का आप क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, तब भी आपको जो न्यू ऑफ स्पीसीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। कैसे स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टू गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर, ऐसे आपको लिखना है। और ये क्या है, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिनोवो म्यूटेशन, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है डिनोवो म्यूटेशन का, क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, फिशर डिस्कवर प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसिस इन डीएनए, तो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन एंड पिरामिडिन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट साइंटिस्ट वाज फिशर, क्लियर। जो रेपिटेटिव डीएनए होता है और सैटेलाइट डीएनए होता है, ये आप पढ़ोगे इसको इसी चैप्टर के आगे टॉपिक में, ठीक है। तो ये जो डीएनए होते हैं रेपिटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी कि यूकैरियोटिक में सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। सो रेपिटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, पैलिंड्रोमिक डीएनए जो होता है आर इन्वर्टेड रेपिटेटिव्स होते हैं ऑफ बेसिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लियर। सो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सो पैलिंड्रोमिक डीएनए आर इन्वर्टेड रेपिटेशंस ऑफ बेसिस इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, बेसिस के सिंगल स्ट्रैंडेड। अब लिख लो एक और पॉइंट, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है नॉर्मली, राइट, लेकिन रियो वायरस के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड होता है एंड वाउंड ट्यूमर प्लांट एंड राइस ड्वार्फ वायरस, ठीक है।
क्या होता है, लियो वायरस के अंदर बेसिकली आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड जीन्स वर डन बाय कोरेनबर्ग, ओका एंड खुराना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है। इन विट्रो सिंथेसिस, इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, लैब में किसी बाहर, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया किसी आउटसाइड फ्रॉम द सेल, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, राइट। बॉडी के बाहर सेल्स को पहले बॉडी के अंदर से निकाला गया, उसको बाहर एक्सपेरिमेंट किया गया। ऑब्वियस सी बात है कि बाहर जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किस पे करें, कहाँ पे करेंगे, लैब में करेंगे, ठीक है। सो डीएनए का, आरएनए का और जीन का जो है इन विट्रो सिंथेसिस कौन से साइंटिस्ट ने किया था, कोरेनबर्ग, ओका एंड खुराना ने, ठीक है। राइबोसोम जो होता है आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम हैविंग कैटालिटिक एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन एंड कॉक, क्लियर। सो बेसिकली राइबोसोम को कौन डिस्कवर किया था, अल्टमैन एंड कॉक ने, COCK कॉक की स्पेलिंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए टू प्रोटीन, देखो सेंट्रल डोगमा भी इसी को बोलते हैं, क्या, डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। एक्टिनोमाइसिन डी प्रीव, देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक्टिनोमाइसिटिन डी। आई होप सो कि मुझे आप लोगों को स्पेलिंग नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सेल्फ अब यहाँ तक एक मेच्योर स्टूडेंट हो गए होंगे, ठीक है, जिसको आप अपने आप से सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, ठीक है, कॉमन सी चीज़ें। तो एक्टिनोमाइसिटिन डी जो होता है ये क्या प्रिवेंट करता है, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, बस इतना याद रखो, ठीक है। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इज इंक्रीज बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये किसका टर्म है, ये आपको 11th क्लास की ह्यूमंस बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। सो जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन होता है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, क्लियर। एक और पॉइंट लिखो, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल यू वाज द फर्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवर। जो ट्रिपल यू था वो पहला फर्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन था, ट्रिपलेट यानी कि थ्री के पॉइंट में, ठीक है, थ्री टर्म में। और नया पॉइंट लिखो, प्यूरोमाइसिन एंटीबायोटिक इनहिबिट ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन है नॉट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और इसमें प्यूरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक जो होती है वो इनहिबिट करती है, रोकती है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट ट्रांसलेशन, तो उसमें आपको क्या आएगा, प्यूरोमाइसिटिन आएगा, क्लियर। एक और नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्गन इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, मॉर्गन है, क्लियर। बेटसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सो हु इज द, तो दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है, तो इसको ध्यान से समझो पहले। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक पूछेगा तो वो कौन होगा, मॉर्गन होगा, जबकि मॉडर्न जेनेटिक कौन होंगे, बेटसन होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोपिक्नोसिस, डार्कली स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की डार्कली स्टेनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोपिक्नोसिस बोलते हैं, HETEROPYKNOSIS। सो हेट्रोपिक्नोसिस इज नथिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डार्कली स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमेटिन, क्लियर। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला, क्रोमोसोम के अंदर होता है बेसिकली, और जब उसकी स्टेनिंग डार्कली होता है तो उसको हेट्रोपिक्नोसिस बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को, इसको पहले से समझ लें तो उसमें तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। H1H2A, नेक्स्ट पॉइंट, H1H2A एंड H2B प्रोटीन्स आर लाइसिन रिच, ठीक है। लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड है, जबकि वाइल H3 एंड H4 आर एर्जिनिन रिच पॉलीपेप्टाइड चेन। सो एर्जिनिन, लाइसिन, आइसोलिसिन, ये सब मतलब अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। सेटेलाइट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेबेंट, जो सेटेलाइट होते हैं राइट, उसको और क्या बोलते हैं, ट्रेबेंट बोलते हैं, TRABANT। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील होता है आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील्स, क्लियर। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो, दो स्टार मार्क करो इसको पहले, और लिखो, देखो ब्लॉटिंग जो होता है कई टाइप्स की होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो तो इसमें से उसके यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है उसका हम लोग यूज़ प्रोटीन की डिटेक्शन में करते हैं, राइट, डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स। नॉर्थ, फिर नेक्स्ट पॉइंट नॉर्थ, नॉर्थन ब्लॉटिंग जो होता है इज अ टेक्निक यूज टू ब्लॉट ट्रांसफर ऑफ आरएनएज, राइट, आरएनए के ट्रांसफर में यूज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, CHIMERIC। काइमेरिक डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम लोग पूरा ब्रीफली एक लेक्चर लूंगा मैं इस पर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। तो PCR जो होता है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो वाज डेवलप्ड बाई कैरी म्यूलिस इन 1983 एंड गॉट नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फील्ड के लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसमें इनको अवार्ड, जो अवार्ड मिला था नोबल प्राइज़, वो केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था। और किसको डेवलप किया था, PCR टेक्निक को, राइट, कौन से साइंटिस्ट थे, कैरी म्यूलिस। साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है टेक्निक होता है यूज फॉर सेपरेटिंग DNA फ्रेगमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन, क्लोन जीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए और DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। तीन ब्लॉटिंग मैंने डिस्कवर की, मैंने बताया आपको, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, ठीक है। DMD क्या होता है, एक डिजीज है, इज द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाई अ प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल्स। सो DMD बेसिकली क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है ड्यूचेनी, स्पेलिंग लिखो DUCHENNE, ड्यूचेनी मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी होता है। एक डिजीज है, किसकी वजह से होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल, मसल्स के लॉस होने से, राइट। इनहेरिटेंस ऑफ बियर्ड इन मैन, मैन के अंदर जब इनहेरिटेंस ऑफ बियर्ड होता है यानी दाढ़ी का, ठीक है, इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या है, एक सेक्स लिमिटेड है, क्लियर। इनहेरिटेंस ऑफ AB एंड O ब्लड टाइप्स इन मैन वाज डिस्कवर्ड बाय बर्नस्टीन इन 1925, 1925 में डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट कौन थे, बर्नस्टीन ने AB, AB, A, B, AB, O ब्लड ग्रुप को मैन के अंदर डिस्कवर किया था, क्लियर। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, HDN क्या है, हेमोलिटिक डिजीज, क्लियर। HDN वॉज अर्लियर नोन एज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार मार्क कर लो, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग को पता है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस क्या होता है, ये ह्यूमन फीमेल में एक डिजीज होती है क्या, जब आर एच फैक्टर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। तो आर एच फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन बन जाती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस, तो इसको एक और नाम भी बोलते हैं, वो क्या होता है, HDN भी बोलते हैं, ठीक है, हेमोलिटिक डिजीज। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच आर कॉमनली आस्क्ड इन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स लाइक नीट एंड एम्स, राइट। सो डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट।